तो नमस्कार दोस्तों, चीन दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल और जनसंख्या वाला देश है, तो जाहिर सी बात होगी कि यहाँ के नियम और कानून, रहन सहन, खान पान भी कुछ रोमांचित कर देने वाले भी होंगे। तो चलिए, आज इस वीडियो में मैं आपको चीन के वो बातें बताऊंगा जिसे सुनकर शायद आप हैरान हो जाएं, शायद आप चीन के ऊपर हंसें, शायद आप चीन को कुछ और भी कह दें। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में हर वो बातें बताऊंगा जो बिल्कुल सच होंगी। लेकिन दोस्तों, मैं चाहूंगा कि वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। चाइना में 3 करोड़ लोग गुफा जैसे घरों में रहते हैं। चाइना में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल 40 लाख बिल्लियों को खाया जाता है। आर्मी की ट्रेनिंग तो हमारे भारत और बाकी अन्य देशों में भी होती है, लेकिन आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि चाइना में जब भी फौजियों की ट्रेनिंग दी जाती है, तब उनके कॉलर में बेल्ट लगा दिया जाता है, ताकि वह अपनी गर्दन ऊपर ही रख सकें। अगर आप हॉट एयर बलून से धरती को देखने निकलते हो, तो चीन का यंगशियो शहर सबसे खूबसूरत नजर आएगा। इस बात को आप जानते होंगे कि चाइना में एक लड़के ने सिर्फ आईपैड खरीदने के लिए अपनी किडनी बेच दी थी। भले ही चाइना बहुत बड़ा देश है और अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया में छा रखा है, लेकिन यहाँ इतनी ज़्यादा आत्महत्याएं होती है कि आपको नदी में डेड बॉडी निकालने की नौकरी भी मिल सकती है। यह कानून सिर्फ चीन में ही होती है कि कोई अमीर आदमी अपने बदले दूसरे को जेल भेज सकता है। चीन में एक ऐसी भी वेबसाइट है जहां पे आपको गर्लफ्रेंड उधार मिलता है। जी हां दोस्तों, एक हफ्ते का रेट करीबन 2000 रुपए से कम होता है। विश्व के 29% वायु प्रदूषण का कारण चाइना ही है। चीन में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर सिर्फ इसलिए केस कर दिया था क्योंकि वह बदसूरत थी, और उसने केस जीत भी लिया। पति का दावा था कि पत्नी बदसूरत होने के कारण शायद उसके बच्चे भी बदसूरत पैदा होते। दरअसल शादी से पहले उस औरत ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराई थी, जिससे वह सुंदर दिख रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगेगी चीन की यह बातें, कमेंट में हमें जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर भी करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।